Good afternoon, friend. Today I will discuss about plumbing workshop. In which workshop we study about fitting of pipes and their joints is called plumbing workshop. And also discuss about what is plumbing. It is a skilled trade of working with pipes or tubes and plumbing fixture. यह एक स्किल ट्रेड है जिसमें हम लोग पाइप फिटिंग्स और ट्यूब के फिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसके जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि पाइप में कैसे कैसे जॉइंट्स होता है, कौन कौन मेथड्स हम लोग जॉइंट्स करते हैं। तो इसमें होता है एक स्क्रूड पाइप जॉइंट्स जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, स्क्रूड पाइप जॉइंट, वेल्डेड पाइप जॉइंट्स, फ्लेंज्ड पाइप जॉइंट्स, सोल्डर्ड पाइप जॉइंट्स और ग्लूड एंड सीमेंटेड पाइप जॉइंट्स। अब हम लोग जानेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। जो पाइप्स दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। जो पाइप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, इसकी भी पाइप जॉइंट्स है, किस में करते हैं, जीआई पाइप्स में। वेल्डेड पाइप जॉइंट्स है, इसका यूज हम लोग क्या किस में करते हैं, फॉर स्टील पाइप्स, कॉपर पाइप्स, एल्युमिनियम एंड लीड पाइप्स में। फ्लेंज्ड पाइप जॉइंट्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फॉर कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप्स में। सोल्डर्ड पाइप जॉइंट्स का यूज हम लोग कहाँ, सोल्डर्ड पाइप जॉइंट कहाँ यूज करते हैं, ब्रास और कॉपर ट्यूब्स में। ग्लूड और सीमेंटेड पाइप जॉइंट्स कहाँ यूज होता है, फॉर पीवीसी पाइप्स में। यहाँ यहाँ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स का पाइप को ज्वाइन करने में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, या तो स्क्रूड मेथड से, वेल्डेड मेथड से, फ्लेंज्ड मेथड से, सोल्डर्ड मेथड से, या ग्लूड और सीमेंटेड मेथड से हम लोग ज्वाइन करते हैं। अब डिपेंड करता है कि मटेरियल किस किस मटेरियल से पाइप से बना है। तो पाइप देखिए, आप लोग देख ही चुके होंगे कि जीआई से बनता है, स्टील से बनता है, कॉपर से बनता है, एल्युमिनियम से बनता है, लीड से बनता है, कास्ट आयरन, स्टील, ब्रास, कॉपर और पीवीसी से पाइप बनाया जाता है। और पाइप का जो स्पेसिफिकेशन होता है इंटरनल डायमीटर पे होता है। हम लोग इंटरनल डायमीटर के अनुसार ही मार्केट में जाते हैं और मार्केट में पाइप्स को बोलते हैं कि 1 इंची का चाहिए, 2 इंची का चाहिए, 3 इंची का चाहिए, और चाहे जो भी हो, जितनी डायमीटर की आवश्यकता हो उतनी डायमीटर की आवश्यकता के अनुसार हम लोग इंच में पाइप को बोलते हैं कि इतनी इंच की पाइप चाहिए हम लोगों को। तो कास्ट आयरन, स्टील और कंक्रीट पाइप्स हैविंग लार्ज डायमीटर, सो दिस इज यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए, इसमें कास्ट आयरन, स्टील और कंक्रीट का जो पाइप होता है, इसकी डायमीटर कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू अदर मटेरियल्स। तो इसलिए इसका जो यूज हम लोग करते हैं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को सप्लाई करने में करेंगे, ठीक ना। लार्ज क्वांटिटी का वाटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लार्ज क्वांटिटी हम लोग यूज करेंगे किसका 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 यूज करेंगे, कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन, स्टील और कंक्रीट का। स्टील और कंक्रीट का हम लोग लार्ज डायमीटर के रूप में यूज करेंगे। लार्ज डायमीटर पाइप बनाने में जो यूज होता है, कास्ट आयरन, स्टील और कंक्रीट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह से गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज हम लोग मीडियम और मीडियम सप्लाई के लिए करते हैं। मीडियम लो प्रेशर का जो वाटर सप्लाई होता है उसी में हम लोग गैल्वेनाइज्ड पाइप का यूज करते हैं। गैल्वेनाइज्ड पाइप आर यूज्ड फॉर मीडियम एंड लो प्रेशर वाटर सप्लाई। इसी तरह से प्लास्टिक पाइप्स आर प्रिपेयर्ड फॉर हाउस होल्ड यूजेज एट लो प्रेशर। जो प्लास्टिक पाइप्स होता है उसका हम लोग यूज करते हैं लो प्रेशर वाटर सप्लाई में, और इसका हम लोग होम में ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू द पाइप मटेरियल साइज एंड एप्लीकेशन डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू ज्वाइंट मेथड्स। स्क्रूड पाइप ज्वाइंट मेथड्स देखिए यहाँ पे होगा, स्क्रूड पाइप ज्वाइंट मेथड GI पाइप्स के लिए आप लोग देख ही रहे होंगे स्क्रूड पाइप ज्वाइंट्स लिखा हुआ है, और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, स्क्रूड पाइप ज्वाइंट्स, बेल्टेड पाइप ज्वाइंट्स, फ्लैंज्ड पाइप ज्वाइंट्स, शोल्डर पाइप ज्वाइंट्स एंड ग्लू पाइप ज्वाइंट्स। स्क्रूड पाइप ज्वाइंट्स होता है GI पाइप्स के लिए, बेल्टेड पाइप ज्वाइंट्स होता है फॉर स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम एंड लीड पाइप्स के लिए, फ्लैंज्ड पाइप ज्वाइंट्स होता है फॉर कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप्स के लिए, शोल्डर्ड पाइप ज्वाइंट होता है फॉर ब्रास एंड कॉपर ट्यूब्स के लिए, एंड ग्लू और सीमेंटेड पाइप ज्वाइंट फॉर PVC पाइप्स के लिए। इस तरह से ज्वाइंटिंग मेथड का सिलेक्शन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के पाइप के लिए कि किस मेथड का यूज करके हम लोग पाइप को ज्वाइंट करेंगे। पाइप्स मेड ऑफ आयरन एंड ब्रास ऑफ स्मॉल एंड मीडियम डायमीटर्स अप्रोक्स 10 mm टू 100 mm एंड दिस इज ज्वाइंट बाई स्क्रूड मेथड एंड दिस इज ज्वाइंट बाई स्क्रूड मेथड विथ इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड्स। वेल्डिंग इज यूज टू ज्वाइन ऑफ मीडियम एंड लार्ज डायमीटर ऑफ स्टील पाइप्स। वेल्डिंग इज यूज टू ज्वाइन ऑफ मीडियम एंड लार्ज डायमीटर ऑफ स्टील पाइप्स। सब लोग समझ ही रहे होंगे कि कहाँ कहाँ किसका यूज किया जा रहा है। एंड फ्लैंज वेंट्स आर कॉमन इन मीडियम एंड लार्ज डायमीटर पाइप्स ऑफ कास्ट आयरन एंड स्टील अलोंग विथ रबर एंड कंप्रेस्ड एस्बेस्टस फाइबर। ओके, अब नाउ वी डिस्कस अबाउट शोल्डर पाइप ज्वाइंट्स। सोल्डरिंग मेथड्स हम लोग जो ज्वाइन करते हैं कॉपर एंड ब्रास पाइप्स को करते हैं। कॉपर एंड ब्रास पाइप्स आर ज्वाइंट बाय सोल्डरिंग। प्लास्टिक पाइप इज ज्वाइंट बाय ग्लूइंग और सीमेंटेड मेथड। ग्लूइंग और सीमेंटेड मेथड का जो हम लोग यूज करते हैं किसमें करते हैं PVC पाइप्स के लिए। The function of pipe fittings can be broadly classified as to join two or more pipe lines together, to effect change in diameter or direction, to close the end of pipeline. The most common types of screwed pipe fittings used in galvanized iron GI pipelines and plastic PVC pipelines are also shown in figure 1 to 17. A brief description of these fittings is given below. जो आपका डिस्क्रिप्शन में हम दिखाएंगे, देखिए नीचे में ये सब बनाया हुआ है। कपलिंग मेथड से कैसे करते हैं, रिड्यूसिंग कपलिंग क्या होता है, ये ये जो आप लोग देख रहे हैं कपलिंग, रिड्यूसर कपलिंग,
90 डिग्री एल्बो रिड्यूसर एल्बो 90 डिग्री वेन रिटर्न वेन टी रिड्यूसर टी क्रॉस क्लोज निपल शॉर्ट निपल विथ हेक्सागोनल ग्रिप होज निपल मेल प्लग फेमेल प्लग ये सब पाइप फिटिंग्स या ज्वाइंट मेथड है ज्वाइंट ऑब्जेक्ट है या वस्तु है ठीक ना। इसके द्वारा हम लोग दो पाइप्स को या तीन पाइप्स को आपस में जोड़ते हैं। दीज आर द सेम पार्ट्स विच इज यूज टू ज्वाइन टू और मोर पाइप्स विथ ईच अदर। इसका यूज हम लोग दो और दो से अधिक पाइप्स को एक साथ जोड़ने में यूज करते हैं। अब इसमें बारी बारी से जितने भी ज्वाइंट करने के लिए वस्तु आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है या पार्ट्स जो दिखाई दे रहा है प्रत्येक को बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कपलिंग के बारे में करते हैं। ये देखिए इधर एक आप देखिए ये आपका इंटरनली थ्रेडेड किया हुआ रहता है ठीक ना। दो पाइप्स को एक इनलेट और एक आउटलेट को इसमें जोड़ा जाता है ठीक है। तो दिस इज यूज टू ज्वाइन टू सिमिलर डायमीटर पाइप्स इट इज शॉर्ट स्लीव विथ इंटरनल डायमीटर थ्रेड। और इसमें जो डायमीटर किया जाता है डायमीटर जो इसमें जो दो सिमिलर डायमीटर होता है यहाँ और यहाँ ये सिमिलर डायमीटर के पाइप्स को हम लोग यूज करते हैं। दोनों डायमीटर इनलेट का भी और आउटलेट का भी दोनों इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद इसमें जो रहता है इंटरनल थ्रेडिंग किया हुआ रहता है इसी में इंटरनल थ्रेडिंग किया हुआ रहता है इस तरह से इंटरनल थ्रेडिंग किया हुआ रहता है इसी में पाइप को हम लोग फिक्स करते हैं सेट करते हैं। तो इसका जो यूज होता है क्या होता है दो सिमिलर पाइप्स को ज्वाइंट करने में हम लोग इसका यूज करता है। और ये सबसे छोटा स्मॉल स्लीव है और इसमें हम लोग क्या करते हैं दो पाइप्स को आपस में जोड़ते हैं जो सिमिलर डायमीटर को हो और इंटरनल थ्रेडेड हो। जो कपलिंग होता है जो ये कपलिंग होता है वो क्या रहता है इंटरनल थ्रेडेड रहता है और सिमिलर डायमीटर्स के पाइप्स को ज्वाइंट करते हैं। इसी तरह से रिड्यूसर कपलिंग देखिए इसमें अंतर इसमें और इसमें दोनों को कंपेरिजन करने के बाद ये लगता है कि इसका जो इनलेट हो वो क्या है लार्ज डायमीटर है और ये जो आउटलेट है स्मॉल डायमीटर है। ये अगर डी है तो ये क्या है स्मॉल डी है ठीक है। तो इसका यूज हम लोग जो क्वांटिटी ऑफ फ्लो होता है उसको रिड्यूस करने में करते हैं ठीक है। तो दिस इज यूज टू ज्वाइन टू पाइप लाइन्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर अलाइनमेंट। और इसका यूज हम लोग डिफरेंट पाइप के साइज को जोड़ने में इसका यूज हम लोग करते हैं। इसी तरह से 90 डिग्री एल्बो 90 डिग्री एल्बो जो दिखाई दे रहा ये आपको ये क्या है 90 डिग्री पे बेंड किया हुआ है। और इसका यूज हम लोग फ्लो ऑफ डायरेक्शन को मूव करवाने में करते हैं फ्लो ऑफ डायरेक्शन इन 90 डिग्री पे डायरेक्शन फ्लो को चेंज करते हैं वाटर के फ्लो को चेंज करते हैं। इसलिए हम लोग इसका 90 डिग्री एल्बो का यूज करते हैं। तो दिस इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड विथ 90 डिग्री इंटरनल थ्रेड आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ एंड्स एंड एल्बो ब्रिंग्स ट्वाइस द हेड ऑफ लॉस देन ए बेंड। बेंड के कारण जो इनलेट पावर होता है एग्जिस्ट पावर का दुगना होता है यानी जो इनलेट पावर अगर x है तो ये जो एग्जिस्ट पावर हो जाएगा इसका एक्स बाई टू हो जाएगा या अगर ये x है तो इनलेट इसका 2x हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से अब चर्चा करेंगे हम लोग ये 90 डिग्री रिड्यूसर एल्बो इसमें देखिए सिमिलर डायमीटर का यूज करते थे हम लोग जो 90 डिग्री एल्बो था उसमें सिमिलर डायमीटर का यूज करते थे बट ये 90 डिग्री रिड्यूसर एल्बो है जो ये एक डायमीटर लार्ज है और दूसरा डायमीटर क्या है रिड्यूस्ड किया हुआ है। तो ये हम फ्लो को रिड्यूस्ड करने में सप्लाई वाटर सप्लाई को रिड्यूस करने में हम लोग इसका यूज करते हैं ठीक है। तो ये हो गया दिस इज एन एल्बो
विथ आउटलेट डायमीटर लेस देन दैट ऑफ इनलेट डायमीटर। जो आउटलेट आउटलेट डायमीटर होता है इनलेट डायमीटर से क्या होता है, कम होता है। ये इनलेट जो डायमीटर होता है आईडी इज लेस देन, सॉरी आईडी इज ग्रेटर देन ओडी आउटलेट डायमीटर। इनलेट डायमीटर इज ग्रेटर देन आउटलेट डायमीटर। इसी तरह से 90 डिग्री बेंड होता है, इसमें था कि एंगल बनाया हुआ था, इस तरह से एंगल में बेंड किया हुआ था, बट ये कर्व बेंड किया हुआ है, बस ये और ये पॉइंट 90 डिग्री पे है, ठीक है। तब इसका वेंड हो गया। वेंड वेंड इज ए पाइप स्पेशल यूज्ड इन इफेक्ट ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन यूजुअली 90 डिग्री द टू एंड्स ऑफ द वेंड्स आर एक्सटर्नली थ्रेडेड और इसमें जो होता है क्या होता है एक्सटर्नली थ्रेडेड किया हुआ रहता है। इसमें जो हम जो 90 डिग्री पे एल्बो किया हुआ है बेंड किया हुआ है एल्बो था उसमें इंटरनल थ्रेडेड था, बट ये जो सिर्फ बेंड किया हुआ है इसमें क्या है, इसमें एक्सटर्नल थ्रेडेड है और ये कर्व बेंड किया हुआ है, ठीक है। बट ये जो फ्लो डायरेक्शन है, फ्लो डायरेक्शन अगर चेक करते हैं तो ये 90 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से रिटर्न वेंड हो गया। रिटर्न वेंड जितना डायमीटर इनलेट में है उतना ही डायमीटर आउटलेट में है, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है। ये इधर जा रहा है तो आउटलेट इसके जस्ट अपोजिट में जा रहा है, जो आप लोग को फिगर में दिखाई दे रहा होगा। तो रिटर्न वेंड जो होता है, रिटर्न वेंड इज यूज टू रिटर्न द डायरेक्शन ऑफ पाइपलाइन थ्रू 180 डिग्री द एंड्स आर इंटरनली थ्रेडेड फॉर फिटिंग द पाइपलाइंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट टी। व्हाट इज टी? जो आपको दिखाई दे रहा है ये टी है। तो व्हाट इज टी देखने के बाद लग रहा है कि ये डायमीटर और ये डायमीटर दोनों इक्वल है और ये भी डायमीटर इक्वल है। इसमें हम लोग मिनिमम कितने पाइप सेट कर सकते हैं, 3 पाइप सेट कर सकते हैं। तो दिस पाइप स्पेशली यूज टू कन्वर्ट 3 पाइप लाइन्स ऑफ सेम डायमीटर पाइप्स। सेम डायमीटर पाइप के 3 पाइप लाइन्स, 3 पाइप को हम लोग इसके द्वारा जोड़ते हैं, इसीलिए इसको हम लोग टी बोलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे जुड़ता है, ठीक है। इधर भी फ्लो हो रहा है, इधर भी फ्लो हो रहा है और इधर भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग 3 पाइप्स लाइन में यूज करते हैं। एक है रिड्यूसर टी। ये डायमीटर और ये डायमीटर सिमिलर है, बट नीचे का जो डायमीटर है क्या है, ये दोनों डायमीटर के कंपैरिजन में लेस है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसर टी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो स्मॉलर टू टी ज्वाइंट ऑफ पाइप लाइन बट कनेक्ट विथ रिड्यूस डायमीटर ऑफ मेन पाइप लाइन। रिड्यूस डायमीटर ऑफ मेन पाइप लाइन, ये देखिए क्रॉस है। इसमें हम लोग कितने पाइप्स को जोड़ सकते हैं, 4 पाइप्स को, एक ये इधर से और इधर से, ऐसे करके जोड़ सकते हैं। अब फ्लो करवा सकते हैं जैसा इच्छा होगा, इधर से इधर, एक इनलेट रहेगा और 3 आउटलेट रहेगा। तो दिस पाइप इज स्पेशल यूज टू टैग 2 ब्रांच कनेक्शन एट राइट एंगल्स टू द मेन पाइप लाइन, द थ्रेड्स आर प्रोवाइडेड इंटरनली। और इसमें जो थ्रेड किया हुआ रहता है क्या रहता है, इंटरनली किया हुआ रहता है। इसमें हम लोग जो थ्रेड करते हैं इंटरनली करते हैं। ये देखिए आपका क्लोज निपल है। क्लोज निपल इज ए शॉर्ट स्ट्रेट पीस, इट इज ए शॉर्ट स्ट्रेट पीस ऑफ पाइप विथ एक्सटर्नल थ्रेड। ये इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेड किया हुआ रहता है ऑन बोथ एंड्स, बोथ दोनों एंड्स पे एक्सटर्नल थ्रेडेड रहता है। ए क्लोज निपल इज द शॉर्टेस्ट ऑफ दिस कैटेगरी विथ एक्सटर्नल डायमीटर फॉर फुल लेंथ। दे आर यूज टू ज्वाइन टू इंटरनली थ्रेडेड पाइप स्पेशल एंड वाल्व्स। इसमें जो थ्रेडेड किया हुआ रहता है आउटलेट बाहर की ओर किया रहता है और फुल थ्रेडेड किया हुआ रहता है, और ये सबसे छोटा निपल है, और इसमें जो पाइप हम लोग जोड़ते हैं, जो इंटरनली थ्रेडेड किया हुआ पाइप रहता है उसी को आपस में कनेक्ट करते हैं क्लोज निपल के द्वारा। इसी तरह से एक होता है शॉर्ट निपल, ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शॉर्ट निपल। ये शॉर्ट निपल हैज सेम शेप एंड फंक्शन ऑफ ए क्लोज निपल।
ये दोनों का फंक्शन सेम है, ठीक है ना, बट इट हैज़ अ शॉर्ट अनथ्रेडेड पोर्शन ऑफ एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ फॉर ग्रिपिंग। और इसमें रहता है, देखिए यहाँ से यहाँ अनथ्रेडेड रहता है, इसमें थ्रेड नहीं रहता है, बट ये पोर्शन क्या रहता है, थ्रेड किया हुआ रहता है। और क्लोज निपल में क्या था कि पूरा में थ्रेडेड किया हुआ था, बट इसमें यहाँ तक थ्रेडेड, यहाँ तक थ्रेडेड, यहाँ तक थ्रेडेड और यहाँ तक थ्रेडेड, ये जो बीच का पोर्शन है, इतना पोर्शन है इसमें थ्रेडेड नहीं किया हुआ रहेगा, इसी को हम लोग शॉर्ट निपल बोलते हैं। ये एक देखिए, ये शॉर्ट निपल विथ हेक्सागोनल ग्रिप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट निपल विथ हेक्सागोनल ग्रिप। ये शॉर्ट निपल हैज द सेम स्टेट शेप एंड फंक्शन ऑफ ए क्लोज निपल, बट इट हैज़ अ शॉर्ट अनथ्रेडेड पोर्शन ऑफ द मिडल ऑफ इट्स लेंथ फॉर ग्रिपिंग। इसमें होता है, इसमें क्या होता है कि जो मिडल पोर्शन होता है उसमें सिर्फ ग्रिपिंग बना हुआ रहता है, उसमें वो क्या थ्रेडेड नहीं किया रहता है, जो उसका जो ये मिड पोर्शन होता है अनथ्रेडेड होता है, ठीक ना, मिडल पोर्शन इसमें अनथ्रेडेड होता है। और इसका यूज हम लोग सेम पाइपलाइन में करते हैं, सेम डायमीटर्स के पाइप्स में निपल कनेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। ये देखिए हॉज निपल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉज निपल। ये देखिए क्या कहलाया, हॉज निपल कहलाया। हॉज निपल का यूज हम लोग एलपीजी गैस को कनेक्ट करने में, या गैस, दिस इज यूज्ड इन गैस पाइपलाइंस आल्सो। इसी तरह से मेल प्लग और फीमेल प्लग होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें है कि ये पोर्शन ग्रिपिंग बना हुआ है, इसी में हम लोग पाइप्स को डालते हैं, जो रबड़ का बना हुआ हो, एस्बेस्टॉस का बना हुआ हो, उसी पाइप्स को इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये हॉज नेपल यूज टू कनेक्ट ये हॉज फ्लेक्सिबल पाइप्स, यूजुअली प्लास्टिक और रबर, टू ए पाइपलाइन। वन एंड ऑफ ए हॉज नेपल हैज़ ए स्टेप टेपर टू फिट द हॉज, वाइल अदर एंड हैज थ्रेडेड। ये हेक्सागोनल नट शेप इज गिवन टू द मिडल पोर्शन फॉर ग्रिपिंग विथ ए स्पैनर। ये देखिए ये हेक्सागोनल नट से कनेक्टेड किया हुआ रहता है, और ये जो पोर्शन रहता है ये टाइट और टाइट क्लोज करने के लिए यूज करते हैं, इसमें ये थ्रेडेड किया हुआ रहता है, ठीक ना। और ये आपका होज में रहता है कनेक्टेड, और ये आपका होज में कनेक्टेड रहता है, और ये आउटलेट रहता है, ठीक ना। और इसी में हम लोग पाइप को डालते हैं, जो आपका प्लास्टिक पाइप हो या एस्बेस्टस पाइप हो, उसी को हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं। तो ये है होज निपल हो गया। मेल प्लग, ये मेल प्लग इज यूज टू, देखिए मेल प्लग ये है, ये मेल प्लग इज यूज टू क्लोज एन इंटरनली थ्रेडेड एंड ऑफ ए पाइपलाइन और पाइप स्पेशल। इट हैज एक्सटर्नल थ्रेड एंड ए ग्रिप ऑफ स्क्वायर शेप एट द एंड। ये जो पोर्शन है ये कैसा है, स्क्वायर में है, और इसमें जो रहता है क्या रहता है, एक्सटर्नली थ्रेडेड रहता है। और इसमें जो हम लोग पाइप यूज करेंगे, जो पाइप में इंटरनली थ्रेडेड हो उसी पाइप में हम लोग यूज करेंगे। और इसमें क्या होता है, जो फीमेल प्लग होता है इसके जस्ट अपोजिट होता है, ये पोर्शन जो हो तो स्क्वायर होता ही है, बट ये होता है इसमें क्या था, एक्सटर्नली थ्रेडेड था, और इसमें क्या रहेगा, इंटरनली थ्रेडेड रहेगा।
इंटरनली थ्रेडेड है इसलिए फीमेल प्लग, और इसमें एक्सटर्नली थ्रेडेड है इसलिए इसको मेल प्लग। इसको हम लोग दूसरे पाइप में डालते हैं, बट इसमें इसमें हम दूसरे पाइप्स को डालते हैं, इसलिए इसको फीमेल प्लग्स बोला जाता है। तो फीमेल प्लग्स हो गया, इट इज़ यूज टू क्लोज एंड एक्सटर्नली थ्रेडेड एंड ऑफ ए पाइप स्पेशल, इट हैज़ इंटरनली थ्रेडेड एंड ए ग्रिप ऑफ स्क्वायर शेप एट द एंड। ठीक है, तो आप लोग अभी जाने इतने चीज़। अब देखिए स्क्रूड इनियन के बारे में हम बताएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पीसेस एज शोन इन द ड्राइंग, जो ड्राइंग में दिखाया गया है इसमें तीन पीस होता है, एक हेक्सागोनल नट पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है और दूसरा ये पोर्शन होता है। ये दोनों में हम पाइप्स को कनेक्ट करते हैं और हेक्सागोनल से टाइट करते हैं। द टू एंड पीसेज हैव इंटरनली थ्रेडेड एट देयर एंड व्हिच आर कनेक्टेड एट द पाइप एंड्स। द सेंट्रल हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल पीसेस यूनियन नट हैज इंटरनली थ्रेडेड एट वन एंड कॉलर एट द अदर एंड। आफ्टर द एंड पीसेस आर स्क्रूड ऑन टू द पाइप्स द सेंट्रल पीसेस यूनियन नट इज टाइटन टू ड्रॉ द एंड पीसेस टूगेदर टू गेट ए वाटर टाइप। और ये वाटर टाइट करने के लिए यूज करते हैं, और इसमें हम लोग पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, और ये रहता है आपका इंटरनल थ्रेड किया हुआ रहता है। इसी तरह से ये फ्लैंज, फ्लैंज का यूज आप लोग देखे ही होंगे कि चापाकल में किए होंगे, ये जनरली सब लोग यूज किए ही हैं, चापाकल तो लगभग सभी लोग के घर में है तो ये देखे ही होंगे। ये सर्कुलर शेप में रहता है, इसमें चार या तीन वोल्ट डालने के लिए जगह बनाया हुआ रहता है। फ्लैंज इज ए डिस्क टाइप्स, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है, दिस इज ए डिस्क टाइप। इट विल हैव होल्स अराउंड द सेंट्रल होल एट एंगुलर स्पेसिंग फॉर ज्वाइनिंग अप सिमिलर फ्लैंज और फ्लैट सरफेसेस यूजिंग बोल्ट और स्टोन। इसमें ये पोर्शन रहता है, ये इसी में हम लोग पाइप्स को कनेक्ट करते हैं, और ये पोर्शन से हम लोग जिस पाइप्स में दूसरे पाइप्स में कनेक्ट करना है उसमें करते हैं। तो ये हो गया फ्लैंज के बारे में। अब देखिए सबका यूज कहाँ कहाँ किया गया है वो हम दिखा रहे हैं इस फिगर की सहायता से। तो इधर से हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे फ्लैंज का यूज किया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग पाइप फ्लैंज बोल रहे हैं। उसके बाद रिड्यूसर कपलर, यहाँ पे देखिए जो फ्लो है वाटर फ्लो है उसको रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसर फ्लो का यूज किया गया है। इसी तरह से शॉर्ट निपल है, शॉर्ट निपल विथ हेक्सागोनल ग्रिप, यहाँ पे देखिए शॉर्ट निपल विथ हेक्सागोनल ग्रिप से टी और रिड्यूसर कपलर्स को ज्वाइन किया गया है। ये रिड्यूसर कपलर्स है, टी है ये, ठीक है, इसको ज्वाइन किया गया है। उसके बाद शॉर्ट निपल, यहाँ पे देखिए शॉर्ट निपल लगाया हुआ है। देखिए ये क्या है, इंटरनली थ्रेडेड सॉरी एक्सटर्नली थ्रेडेड किया हुआ है। एक्सटर्नली थ्रेडेड में दो टी को आपस में जोड़ा गया है, एक आपका टी है दूसरा रिड्यूसर टी है। ये देखिए रिड्यूसर टी है। फीमेल प्लग यहाँ पे लगाया हुआ है, फीमेल प्लग में क्या होता है इंटरनल थ्रेडेड किया हुआ रहता है, यहाँ पे इंटरनल थ्रेडेड किया हुआ है, और ये आपका एक शॉर्ट निपल लगाया हुआ है यहाँ भी, ये भी एक शॉर्ट निपल ही है। उसके बाद क्रॉस लगाया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये क्रॉस है, इसमें चार पाइप्स लगे हुए हैं, एक इधर से एक इधर से एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। इस यहाँ पे फिर देखिए रिड्यूसर एल्बो लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए होज यहाँ पे है, होज लगाया हुआ है, होज लगाया हुआ है, और इसमें पाइप्स फिट किया हुआ है, होज निपल जो बोलते हैं हम लोग, होज लगाया हुआ है, होज निपल लगाया हुआ है, और होज निपल से ये एल्बो फिट किया हुआ है, और इधर होज पाइप लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये जो पोर्शन है रिटर्न वेंड है,
ये देखिए रिटर्न बैंड है, इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, ये कपलर है। इसमें इंटरनल थ्रेडेड इसमें भी रहता है, और यहाँ पे मेल प्लग लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए बैंड का यूज़ किया गया है, जो बैंड 90 डिग्री पे होता है वो बैंड किया हुआ है, कर्व टाइप बना हुआ है। उसके बाद क्लोज निपल यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, ये होज पाइप हो गया, और यहाँ पे एल्बो लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में जान ही गए कि कैसे कैसे ये कनेक्टेड किया हुआ है। हम लोग पाइप फिटिंग्स एंड देयर ज्वाइंट्स के बारे में हम लोग जान ही गए हैं कि कैसे कैसे पाइप्स ज्वाइंट करना है और कैसे कैसे फिट करना है, और किस किस ऑब्जेक्ट के सहारे, किस किस पार्ट्स पुर्जे के सहारे हम लोग कनेक्ट करेंगे, वो सब सब बारे में हम डिस्कशन इस फिगर के माध्यम से कर ही चुके हैं। देखिए इस इस फिगर के माध्यम से हम लोग कर ही चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये टैप के बारे में पढ़ना है कि जैसे पानी आ रहा है, लेकिन पानी को कैसे निकालेंगे, किस टैप के माध्यम से निकालेंगे, किस कॉक के माध्यम से निकालेंगे, किस वाल्व का यूज करेंगे, वो सब सब बारे में हम लोग को अब क्या करना है, चर्चा करना है। दीज आर द टाइप ऑफ टेप, कॉक एंड वॉल्व, बट इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वाटर टैप्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि वाटर टैप्स होता क्या है, वाटर टैप्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, और ये किससे बनाया हुआ जाता है। तो सबसे पहले इट इज़ यूज इन वाटर टैप इज यूज इन लो प्रेशर पाइपलाइन। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, लो प्रेशर पाइपलाइन में करते हैं। इट इज़ मेड बाई ब्रास और गन मेटल, और यह ब्रास और गन मेटल्स के बनाया हुआ रहता है। इट्स रेंजिंग फ्रॉम 10 to 25 mm, इसका जो रेंजिंग होता है 10 to 25 mm होता है। इट्स लेदर और रबर फेस्ड, वाल्व डिस्क इज लिफ्टेड और लोअर्ड बाई रोटेटिंग द स्पैंडल। देखिए आपको फिगर में हम दिखाएंगे अभी। देखिए यही है वाटर टैप, ठीक है, वाटर टैप है, ये आपका स्पैंडल है और ये आपका हैंडल है। इससे क्या होता है, मूव करवाते हैं, तो वो अपर लोअर जैसे भी करवाएंगे, यहाँ पे जो डिस्क लगा हुआ है ये अपवार्ड डाउनवार्ड होगा, और इसी से इनलेट होगा और यहाँ से ऑनलेट होगा, इसी को हम लोग वाल्व डिस्क बोलते हैं। ये आपका पैकिंग ग्रिप है, उसके बाद ये स्पैंडल कहलाया, ये ग्लैंड कहलाया, और ये हैंडल कहलाया, और ये जो बना हुआ है ग्रिपिंग बना हुआ है रबड़ या अदर मटेरियल्स का, रबड़ या वाशर या अनदर मटेरियल्स से बना हुआ है, जिसको हम लोग वाशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाटर टैप था, तो वाटर टैप के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। अब हम लोग वाटर कॉक के बारे में चर्चा करेंगे। वाटर कॉक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज वाटर कॉक। दिस इज सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ए वाल्व इन विच ए कॉनिकल प्लग कॉल्ड कॉक। इसमें जो कॉनिकल प्लग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक बोलते हैं, कॉक। इट इज इंसर्टेड इन टू ए कॉनिकल होल विथ ए मैचिंग टैपर। कॉक्स आर यूज फॉर लो रेट ऑफ वाटर फ्लो और फॉर टैपरिंग प्रेशर लाइन और टू ए मैनोमीटर ATC। नॉट इज बी डिस्कस अबाउट ग्लोब वाल्व। वाट इज ग्लोब वाल्व, ग्लोब वाल्व्स आर यूज्ड एज ए कंट्रोल वाल्व्स इन फ्लूड सच एज गैस एंड लिक्विड पाइपलाइंस। देखिए ग्लोब वाल्व हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ग्लोब वाल्व, ठीक है, ये ग्लोब वाल्व्स आर यूज्ड एज कंट्रोल वाल्व्स इन फ्लूड सच एज गैस एंड लिक्विड पाइपलाइंस। दिस इज यूज्ड एज वेरिएबल ओपनिंग फ्लो डिवाइस। दिस वाल्व्स आर यूज्ड इन वाटर पाइपलाइंस
फ्रॉम 12 टू 100 mm, इसका यूज 12 टू 100 mm पाइप्स में किया जाता है, और इवन लार्ज डायमीटर फॉर द फ्लो कंट्रोल पर्पजेस, और जैसा ज़रूरत हो वैसा हम लोग फिर यूज़ करते हैं फ्लो कंट्रोल पर्पजेस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक गेट वाल्व होता है, ये देखिए गेट वाल्व है, गेट वाल्व। ए गेट वाल्व इज ऑन ऑफ टाइप वाल्व्स, इट्स अलाउ ए स्ट्रेट लाइन मूवमेंट्स, इट्स अलाउ ए स्ट्रेट लाइन मूवमेंट्स ऑफ फ्लूड एंड ऑफर वेरी लिटल रेसिस्टेंस टू द फ्लो इन फुली ओपन पोजिशन। द सेंट्रल डिस्क कंप्लीटली मूव्स आउट ऑफ द फेसेस एंड लिप्स ए फुली ओपनिंग। दीज आर यूज पाइपलाइंस इन 12 mm टू हायर डायमीटर, 12 mm टू हायर डायमीटर। अब फुट वाल्व्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये जो है आपका क्या है, फुट वाल्व्स है, ठीक है। तो फुट वाल्व्स इज काइंड ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व्स, ये किसकी प्रकार है, ये नॉन रिटर्न वाल्व्स की प्रकार है। अगर इसमें इनलेट वाटर हो गया तो ये आउटलेट एग्जिस्ट होगा, ना कि रिटर्न होगा, ठीक है। यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, और इसका यूज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में करते हैं। इट इज़ फिटेड एट द बटम मोस्ट एंड ऑफ द सैंक्शन पाइप्स। द स्टीरर रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल्स टू द पाइपलाइंस। इट इज मेड बाय कास्ट आयरन, ब्रास और PVC। और ये किससे बना हुआ रहता है, कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है, या ब्रास से बना हुआ रहता है, या नहीं तो PVC से बना हुआ रहता है। तो ये था गेट वाल्व्स, ठीक है। तो थैंक यू।